उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ समान कार्य एवं समान वेतन सहित अपनी 600वीं मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मियों का प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने समर्थन किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा कि जब तक NHM कर्मियों का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इनका समर्थन करेंगे। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंत्री डीके सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सक JSY से जुड़े स्टाफ नर्स ANM और अन्य संविदा कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा, जिंदाबाद हमें है जुल्म के टक्कर पे, संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म के टक्कर संघर्ष हमारा नारा है। दुर्ग विजय कार्यवाहक अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, हमारे मंत्री जिला, हम लोग राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से, ये NH कर्मी है, इनका NHM कर्मी है, इनका 8 दिन से लगातार आज 9वां दिन धरना चल रहा है। हमारे प्रांतीय नेतृत्व का निर्देशन है कि जनपद के सारे जनपद के पदाधिकारी, जिन जिन जनपदों में, लगभग प्रदेश में सारे जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अतुल मिश्रा गुट और जिसके अध्यक्ष आदरणीय सुरेश रावत जी हैं, उनका समर्थन जारी है। और हम लोग जनपद में आकर के जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम चल रहे हैं, हम राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से इनको धरने का समर्थन करने के लिए आए हैं। और जब तक ये मांग पूरी नहीं इनकी हो जाती है और जब तक धरना चलता रहेगा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हमारे प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार इनका समर्थन जारी रखेगा।